From this, so if I'm going to half, बिल्कुल, if I'm halving it this way, equal part में divide तो हो गया, लेकिन on both the sides there is not an equal shape. But if I cut it half into this way, now tell me, will it be a symmetry? Yes. Because whatever is there on this side, it's there on this side as well. Let's come towards the next picture. If I'm cutting it to half this way, will it be a symmetry? Yeah. Equal parts में divide हो तो गए हैं, then what's the problem? Okay, you mean to say कि जो ऊपर है वो नीचे नहीं है, बिल्कुल exactly same shape नहीं आ रही है, क्योंकि अगर हम देखें ऊपर कोई डंडी नहीं नजर आ रही, there is no stalk up here, but there is a stalk down. But if I cut it this way, like this, now we can see that it is divided into equal parts also, and on both the sides they are equal shape. Let's talk about it here. What if I'm cutting it this way, the flower this way? Will it be a symmetry? Just ignore my drawing. I'm trying to make it precise. Will it be a symmetry? Is it a symmetry? Yes. Could whatever is there on this side is there over here also. What if I cut it here into the center? Like this. Still symmetry. Very good. What about this? Still symmetry. मतलब it is a circular shape and I just explained, हमने last class में देखा था that in circular shape there is infinity amount of symmetry. What about the star shape? Starfish. Is it symmetrical? Are you sure? Whatever is there here also, it is symmetrical. Let's look here. Let's look it this way. Just ignore my drawing. I'm just trying to make it as precise as possible. What about this? It now symmetrical? No. Because whatever is here, it's not here. यहाँ पे three sides हैं, यहाँ पे सिर्फ two sides आ रही हैं. Let's look over here, this way. What about this? No. So it's not symmetrical. What about this? Is it symmetrical? Okay. So I hope everybody's clear with what is symmetry, what is not symmetry. Let's move towards the next part. Okay, so now this is work practice. Now work example number two. Each of the following figures has only one line of symmetry. कह रहे कि इन तमाम के तमाम फिगर्स में ना सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है. ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री. कह रहे हैं कि हमें पहला काम क्या करना है. फर्स्ट वर्क ये है कि हमें यहाँ पे पहले एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है कि ये इस शेप की लाइन ऑफ सिमेट्री किस तरफ है. और दूसरा काम क्या करना है, हमें इसकी इक्वेशन भी लिखनी है. ओके, लाइन ऑफ सिमेट्री समझ में आता है कि कैसे बना सकते हैं, लेकिन इक्वेशन कैसे लिखेंगे उस समय पहले आते, पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं, हम पहले देख लेते हैं कि इसकी बेसिकली इक्वेशन क्या है. वापस हम देखते हैं सिमेट्री लाइन क्या है. इफ आई लुक एट दिस ट्राइंगल, इफ आई लुक एट दिस ट्राइंगल, आई वॉन्ट समबडी हियर. लेट मी आस्क अली फहद. अली फहद आर यू देयर? अली फहद प्लीज ड्रॉ अ लाइन ऑफ सिमेट्री हियर. इस शेप के लिए प्लीज लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके दिखाइए. आई वॉन्ट अली फहद हियर. ओके दैट्स गुड. ओके अली हैदर गो अहेड. अली हैदर गो अहेड. अली हैदर गो अहेड एंड मेक अ लाइन हियर क्विकली, वी हैव लेस टाइम. आई गिव एवरीबडी अ चांस, नॉट टू वरी. यस सिमेट्री लाइन, लाइन ऑफ सिमेट्री. हमजा प्लीज डोंट राइट. इट्स अली हैदर्स चांस. क्विक
Good. Good try, Ali Had. Sorry, Ali had a good try. Very good. It is actually this way, लेकिन अगर स्क्रीन पर लिखे तो सही तरीके से नहीं आता है. So it's exactly at B. Very good. Good try. मैंने वही कहा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ नहीं आता. I understand the problem. इसको हम क्वेश्चन अगर मैं भी करूँगी तो नहीं होगा. मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि समवट बिटवीन में आ जाए. नाउ दैट्स द लाइन ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट आई वॉन्ट हमजा रिमूव इन द क्लास नाउ बिकॉज यू नॉट फॉलोइंग द रूल्स. हुजैमा आर यू देयर? हुजैमा प्लीज ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन प्लीज ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन डायग्राम नंबर बी. दिस इज हाउ वी एक्चुअली मेक अ लाइन ऑफ सिमेट्री. बट नाउ हाउ डू वी राइट एन इक्वेशन? हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? एक इक्वेशन कैसे बनती है? अच्छा, अब मैं आपको टेक्निक्स बता रही हूँ. टेक्निक्स देखनी है, गौर से देखनी है ताकि समझ में आए. पहले हमें ये चेक करना है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी एक्सिस को कट कर रही है. एक्स एक्सिस को कट कर रही है या वाई एक्सिस को कट कर रही है? पहले देख के बताएं. हु कैन टेल मी दिस? दिस लाइन ऑफ सिमेट्री इज कटिंग विच एक्सिस? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस? पहले आप क्या करेंगे, पहले आप एक्स को ऐसे ओपन करके लिख देंगे. फिर आप लोग क्या करने वाले हैं, अब आप चेक करेंगे कि हमारी एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है. हमें पता है कि ये जीरो है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. हमें पता है किस पॉइंट पे कट कर रही है, ये पॉइंट नंबर 3 पे कट कर रही है. तो हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 3. ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई. दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है. अगेन आई एम रिपीटिंग, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप चेक करेंगे कि हमारी लाइन किस एक्सिस पे कट करेगी, एक्स पे कट करेगी या वाई पे कट कर रही है. सो वी सी दैट द लाइन सिमेट्री इज कटिंग ऑन दी एक्स एक्सिस. ये लिखा हमने, एक्स लिख लिया, इक्वल टू का साइन लगा लिया. अब सेकेंड स्टेप क्या है, हमें चेक करना है कि हमारे एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है, यानी किस नंबर पे कट कर रही है. जब मैंने चेक किया, इट इज एक्चुअली 3. कमिंग टूवर्ड्स पार्ट बी, अगेन सेम थिंग इज गोना हैपन हियर एज वेल, लाइक दिस. नाउ फर्स्ट स्टेप है, हमें पहले चेक करना है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी ग्राफ पे किस एक्सिस पे कट कर रही है, एक्स पे कट कर रही है या वाई पे कट कर रही है. ना हु कैन टेल मी दिस? वाई पे कट. वेरी गुड, वाई पे कट कर. ओके, सो इट्स कटिंग ऑन वाई. मैंने मैंने लिखा वाई और इक्वल्स टू रेडी कर दिया. अब मुझे चेक करना है कि ये मेरी वाई एक्सिस पे किस जगह पे कट करेंगे, यानी किस नंबर पे कट करेंगे. यस, वेरी गुड, 3. तो ये तरीके था किस तरीके से हम पहले एक क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन रीड करने में कोई गलती कर देते हैं. पहले तो देखना है कि लाइन ड्रॉ करनी है, और सेकंड फिर इक्वेशन भी लिखनी है. ये नहीं कि आपने लाइन ड्रॉ कर ली लेकिन इक्वेशन नहीं लिखी, या आपने इक्वेशन लिखी आपने लाइन ड्रॉ नहीं की. दैट विल मेक यू वर्क रॉन्ग. आई होप इट्स क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. विल बी डूइंग प्रैक्टिस नाउ नंबर 2 बाय योर सेल्फ. उसका पार्ट ए खुद करेंगे, लेकिन पार्ट बी की पिक्चर मैंने आपको स्क्रीन में शेयर कर दी. बट डिफिकल्ट है. आई वॉन्ट टू सी हु कैन डू दिस, क्योंकि ये एक फिगर नहीं है, इसमें दो फिगर्स हैं एक्चुअली. ओके, सो आई वॉन्ट हनान जाफर शर्मा टू डू इट. हनान जाफर शर्मा. ओके, आई गिव यू अ चांस. देन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, नॉट टू वरी. Yes, Hanan Jaffer Salman, are you guys there? Okay, Asin, go ahead. We can't wait. Okay, Asin, go ahead. Okay, I'll give everybody a chance. I want Asin to do it. Good. Very nice. Any other line of symmetry? एसन और कोई है? एसन एसन और कोई है लाइन सिमेट्री यहाँ पर?
ओके, देर इज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, क्योंकि व्हेन वी आर ड्रॉइंग लाइन ऑफ सिमेट्री वी वांट इक्वल थिंग्स ऑन बोथ द साइड्स, वही शेप यहाँ पर भी हो, वही शेप यहाँ पर भी हो, ठीक है। अगर मैं इसको कट करती बिल्कुल यहाँ से, तो मसला क्या होता, ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि जो शेप यहाँ पर है वो इस साइड पर नहीं है, ठीक है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी नहीं है, हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइन है। तो पहले हमें चेक करना है कि ये लाइन हमारी एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, यानी कौन सी एक्सिस को कट कर रही है, सो विच एक्सिस इज लाइन सिमेट्री कटिंग, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, वाई, बिकॉज मेरे से शेप को ऐसे रखा हुआ है, सो वाई एक्सिस पे कट कर रही है वेयर, अब वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है, हमें नंबर चेक करना है, दैट नंबर इज 6, सो वाई इज इक्वल टू 6 इज द आंसर। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद द कॉन्सेप्ट एंड एवरीबॉडी नोज व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। इसके कौन सी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी इन शेप्स में से कितनी शेप्स हैं जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो आई एम गिविंग यू गाइस अ मिनट, थिंक केयरफुली, कोई भी ऐसा आंसर नहीं देगा, आई विल बी आस्किंग यू वन बाय वन। ओके, यस, सो आर यू गाइस डन, लेट्स स्टार्ट। अली हैदर, आर यू देयर, व्हिच शेप हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, यस अली हैदर, Which shape has no line of symmetry at all? I'm going to go very fast. I can't wait. Ali Osija, are you there? Quickly. Ali Osija, are you there? Which shape has no line of symmetry here? Quickly. You are allowed to write on the screen. You can just tick it out. Okay, Ali Haider has just marked one. Let's go to Mohammed Ahmed. Are you there? Yes, Mohammed Ahmed, quickly write down or mark on the screen which shape has no line of symmetry. Good. No line of symmetry. Are you sure? No line of symmetry. Think about it. Okay. Hamza, which shape has no line of symmetry? Hamza, quickly. On which shape has no line of symmetry? Quickly mark one. Quickly, come on, hurry up. I'm talking about this question. Question number one. Mark it here. Okay. Yes, Rida. Are you there, Rida? Which shape has no line of symmetry? Hadi Abbas, which shape has no line of symmetry? No line.
Okay, I got the point. Hasan Mujtaba and Hadi Abbas don't fight on the screen. Okay, so majority of you guys have underlined quite a lot of figures which have no line of symmetry. So first, what we are going to do is you're going to try making line of symmetry on each and every object here. ठीक है? So that we know के किस ऑब्जेक्ट पे लाइन सिमेट्री बन सकती है, किस पे नहीं बन सकती. प्लीज डोंट राइट ऑन स्क्रीन दिस वे. आई एम नॉट गोना अलाउ यू गाइस टू राइट नाउ. हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई लुक एट दिस फिगर, ट्राई मेकिंग लाइंस. नाउ टेल मी, इज इट अ लाइन ऑफ सिमेट्री? Is it a line of symmetry? No. What about this? What about this one? Okay. What about this one? If I draw it this way, what do you think? Is it a line of symmetry? Yes, now it is. So it does have a line of symmetry. What about part B? It has a line of symmetry. I'm quickly coming towards part C. What about this shape? No. What about this shape? This way. What about this shape? This way. No. So it has no line of symmetry. Coming towards the next part quickly. Part D. Yes, it has lines of symmetries. Coming over here to the next part quickly. Yes, so it has a line of symmetry, or at least we are having one. Coming here, do we have a line of symmetry? Yes. Next question quickly, do we have a line of symmetry here? No. Let's try it this way. Do we? Are you sure? Yes, we don't have. देखें, this part is a bit more bigger than this part. तो equal part नहीं है. Coming towards the next part quickly. Do we have a line of symmetry here? Yes, we have one. What about this? What about this? Yes. Try making lines. This will make your life easier. What about this? Look at it carefully, the way I'm drawing it. जरूरी नहीं कि शेप क्लोज्ड हो, सिमेट्री बन रही है. यस. व्हाट अबाउट दिस? हार्डली हमारे सिर्फ दो या तीन शेप्स थी. एक्चुअली वी हैड थ्री शेप्स जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही थी. एक दिस वन, नो, वी हैड लाइन इसमें बन रही थी एक्चुअली. इसमें जो है इस तरीके से बन रही थी. आई शो यू, इट वाज हैविंग दिस वे. एक तो ये वाली शेप है, एक ये वाली शेप है, और कौन सी शेप है? सिर्फ यही दो शेप्स हैं जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही. दीज वर द ओनली टू शेप्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप? बिफोर दे वर आस्किंग अस के किस में नहीं बन रही थी, अब हमसे पूछ रहे हैं कि हर शेप में कितनी कितनी बन रही है. तो जैसे अभी आपको मैंने करके दिखाया, यू विल ड्रॉ द लाइन्स. आप पहले लाइन्स ड्रॉ करेंगे एंड मैन्युअल से. जब आप पिक्चर सबमिट करेंगे, सबके पास डायग्राम्स में लाइंस बनी हुई होनी चाहिए. जिस तरीके से मैं ड्रॉ कर रही हूँ ऑन द स्क्रीन, आई वॉन्ट यू ऑल टू ड्रॉ द लाइन्स और इन योर बुक्स एज वेल. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. ये आप लोग बुक में करेंगे, यू विल डू इट इन द बुक, बट यू विल राइट टूडेज डेट. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. आई वॉन्ट कॉनेन टू डू इट फर्स्ट. कॉनेन, आर यू देयर विद मी? ओके, रूश फातमा, गो हैड क्विकली. फर्स्ट पिक्चर, पार्ट ए. रूज पार्ट ए क्विकली. हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर?
One. Draw it. It's here. Only one. It can't be this way. नहीं, इस तरीके से नहीं हो सकता है. Only one line is there. Now, second question. हनान, जाफर एंड सलमा. Quickly. Quickly, hurry up. After you all have done this, what I will do is I am going to count the line of symmetry. एक कितनी symmetry बन रही है. So if I look here, we have only one symmetry here. We have one symmetry here, one line of symmetry here, one line of symmetry here. If I check here, we have actually three lines of symmetry here. Here we have two lines of symmetry here. Here we have two lines of symmetry. Two lines of symmetry. Two lines of symmetry again. So one, two, three, and four. We have four lines of symmetry here. And here we have two lines of symmetry, और जो हार्ट शेप में हार्ट शेप है, दैट हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री. सो वी विल मेक द लाइंस एंड देन आई विल काउंट द नंबर ऑफ लाइंस. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. वी आर ऑलमोस्ट डन विद द टाइम. गिविंग ऑल अ पीस ऑफ होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास. We'll be doing question number three, question number four, and question number five. These three questions are your homework. Question number three, question number four, and question number five. You will do these and you will submit it to me, book me, in the book. You will submit by 6 o'clock p.m. sharp. Ab copy mein aapne kya karna hai? Copy mein apne kuch